देहरादून में ऐतिहासिक श्री झंडे जी का आरोहण होने के साथ ही झंडा मेला आज से शुरू हो गया है। दोपहर 2:10 पर श्री दरबार साहिब के सज्जादानशीन महंत देवेंद्र दास महाराज के सानिध्य में श्री झंडे जी का आरोहण हुआ। कोरोना संक्रमण के चलते इस बार 2 दिवसीय मेले का ही आयोजन किया जा रहा है। रविवार को नगर परिक्रमा के बाद धार्मिक मेला सम्पन्न हो जाएगा। कोरोना संक्रमण के चलते प्रशासन ने झंडे मेले के रूट में वाहनों का प्रवेश वर्जित किया था। इस दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा मेले में आ रहे श्रद्धालुओं से कोविड-19 के नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है। वहीं आरोहण स्थल पर भी सीमित संख्या में श्रद्धालुओं से आने की अपील की गई थी। हालांकि इस साल संगत में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या पिछले साल के मुकाबले कम है। 4 अप्रैल को सूक्ष्म स्वरूप में नगर परिक्रमा होगी। इसके साथ ही मेला सम्पन्न हो जाएगा। देश के विभिन्न राज्यों में दोबारा तेजी से फैलते कोरोना के चलते एहतियातन कई कदम उठाए गए हैं। प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों से आने वाली संगतों को आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आना अनिवार्य है। मेले में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों से श्रद्धालु आए हुए हैं। उन्होंने बताया कि झंडे मेले में उनके द्वारा हर वर्ष प्रतिभाग किया जाता है। चंडीगढ़ के पास से आए मुबारकपुर से ही, और हमारे को बुजुर्गों को भी आते 80 साल हो गए, मेरे को भी 40 साल हो गए यहाँ पे आते हुए। मैं भी अपनी जवानी से आ रहा हूँ। ये मेरा भाई है, मेरे रिश्तेदार हैं, और हमारे को इस गुरु जी ने कभी भी कोई किसी तरह की कमी नहीं आने दी। हम हर साल झंडे मेले में आते हैं और हम कई सालों से आ रहे हैं। हमारे दादा परदादा यहीं पे आते थे और अब हम भी यहीं आते हैं।